हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट ये सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। फाइनल अकाउंट टॉपिक जो हम ले रहे हैं उसमें दो या तीन प्रॉब्लम हमें ऑलरेडी ले चुके हैं, अभी हमें लेने हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो आज हम अनसॉल्व प्रॉब्लम नंबर 5 सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो रीड करते हैं, जल्दी से कैटेगराइज भी करते हैं। ओके, सुचेता एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ये यूज होगा हमें नेट प्रॉफिट देने के लिए, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो देखो, ट्रायल बैलेंस अभी स्टैंडिंग वर्टिकल फॉर्म में दिया है, तो हमें यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कॉलम बाजू बाजू में देखेंगे। तो परचेस एंड सेल बोले है, तो पहली अमाउंट परचेस की, दूसरी अमाउंट सेल की बनेगी, तो दोनों भी ट्रेडिंग में ही जाएंगे, हमें पता है ट्रेडिंग का फॉर्मेट। वर्क्स मैनेजर सैलरी जो हमें लिखनी पड़ेगी कहाँ पे, ट्रेडिंग में, क्योंकि वर्क्स मैनेजर ये फैक्ट्री में काम कर रहा है, ऑफिस में नहीं। ओके, वर्क्स मैनेजर तो ये ट्रेडिंग में जाएगी। कैपिटल बैलेंस जो है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग में। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स देखो, दो दिए यहाँ पे, तो डेबिट वाले डेटर्स, क्रेडिट वाले क्रेडिटर्स, तो दोनों भी बैलेंस शीट में जाएंगे, एक एसेट में एक लाइबिलिटी में, एसेट एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस स्टार्टिंग वाला वर्ड देखो, दोनों वर्ड मत देखो, स्टार्टिंग वाला वेजेस, और वेजेस जाते हैं ट्रेडिंग में, इसलिए ट्रेडिंग। अगर ऐसे रहता सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी पहला वर्ड देखते जो जाता है ऑफिस में, प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले अगर सैलरी रख देते तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना पड़ेगा, सैलरी एंड वेजेस ऐसा आया था, वेजेस एंड सैलरी दिया यानी ट्रेडिंग में लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाला वर्ड वेजेस। ओके, बिल्स रिसीवेबल एसेट है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, डिस्काउंट ये इनकम है, एक्सपेंस होगा, क्रेडिट साइड में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्रेडिट साइड में हम रख देंगे। मोटिव पावर यूज होती है फैक्ट्री में, क्योंकि मशीन्स के लिए लगती है मोटिव पावर, ज्यादा हॉर्स पावर लगती है, तो मोटिव पावर यूज होगी फैक्ट्री में, इसलिए ट्रेडिंग वाला खर्चा। कस्टम ड्यूटी जो है हमें लिखनी पड़ेगी कहां पे, ट्रेडिंग में, ऑफकोर्स ट्रेडिंग, ठीक है। इंटरेस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, वैसे भी क्रेडिट में, यानी वो इनकम ही है, ठीक है। आगे देखेंगे अनप्रोडक्टिव वेजेस दिए, तो दो तरह के ये इस टाइप के वेजेस होते हैं, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव वेजेस देंगे तो ट्रेडिंग में लिखने हैं, अनप्रोडक्टिव वेजेस देंगे तो हमें लिखने हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, याद रखना। प्रोडक्टिव वेजेस दिए तो ट्रेडिंग में, अनप्रोडक्टिव दिए तो प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑडिट फीस हमें लिखना है कहां पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। रेंट कहां पे जाएगा, ऑफकोर्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कन्वेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। गुडविल ये है एसेट। कॉपीराइट्स ये भी है इंटेंजिबल एसेट। बिल्डिंग ये भी एसेट प्रॉपर्टी। पार्टनर्स का लोन है तो ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी में रखेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ये जाएगा एसेट में, और कैश एट बैंक जो है बैलेंस दिया है तो वही भी जाएगा एसेट में, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट देखेंगे और टिक मार्क करेंगे। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की, इसे टिक मार्क की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली पोस्ट होगी। गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स फ्री में बांट दिया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा क्योंकि गुड्स जा रहे हैं हमारे हाथ से, और ये एडवर्टाइज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का पता है हमें, तो मुझे यहाँ पे कैटेगराइज करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो फिक्स एडजस्टमेंट है, हमेशा वही इफेक्ट रहेंगे। मोटिव पावर का यहाँ पे कुछ बोले हैं, डिपॉजिट दिया है, डिपॉजिट यानी एडवांस देना, एडवांस देना यानी प्रीपेड है, तो ये प्रीपेड लेस होगा वहां पे, मोटिव पावर से लेस होगा और जाएगा एसेट में क्योंकि डिपॉजिट दिया है यानी एडवांस यानी प्रीपेड, ठीक है। डिप्रिशिएट बिल्डिंग यानी पता है हमें, डेप्रिसिएशन यानी लेस करने का है, डेप्रिशिएट यानी बिल्डिंग में जाएंगे लेस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में फिर लेंगे, तो बिल्डिंग पे टिक मार्क करना पड़ेगा। और मोटिव पावर का भी टिक मार्क मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है। देखो बिल्डिंग कहाँ पे है, तो बिल्डिंग है यहाँ पे, टिक मार्क कर दिया। मोटिव पावर आपको दिख रहा है, यस यहाँ, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है हमारे पास, तो राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% डेटर्स। तो बैड डेब्ट्स और आरडीडी के दो एडजस्टमेंट हो गए डेटर्स में, ओके। तो डेटर्स पे टिक मार्क देने पड़ेंगे। तो साथ ही साथ हमें बोला है कि बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डीज ऑनर ऑफ बिल, तो बिल डीज ऑनर हो गया, इसका भी इफेक्ट डेटर पे जाएगा, तो इफेक्ट ओवरऑल डेटर्स पे हो गए 3 और बिल रिसीवेबल पे 1 हो गया, ठीक है। तो ठीक है, ये मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया और नया एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो डेटर्स पे 3 टिक मार्क रहेंगे और बिल रिसीवेबल पे 1 टिक मार्क रहेगा। तो ढूंढो कहां पे दिख रहा है आपको, यस डेटर्स पे 3 टिक मार्क,
वन टू एंड थ्री एंड बिल्स रिसीव पे एक टिक मार। ओके तो चलो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले करने हमें पोस्टिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम तो मैंने आपको कैटेगराइज करके दिखाया है, अभी आपके सामने प्रॉब्लम रहेगा ही, आपके पास बुक रहेगा ही, तो आप बुक में कॉन्सेंट्रेट करो। मैं डायरेक्टली पोस्टिंग कैसे करना है वो रीड करके आपको बताऊंगा। ठीक है, या फिर आप प्रॉब्लम का इमेज निकाल लो और फिर आप देख सकते हो प्रॉब्लम किस तरह से रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट पोस्टिंग दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से फॉर्मेट प्रिपेयर होना चाहिए। देखो पहला है यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ लिखना पड़ेगा, जो मैं अभी लिखूंगा वहां पे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देना है नेम, तो ये पूरा पेज पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। सबसे पहले ट्रेडिंग वाला पार्ट करना है यहाँ पे इतने पार्ट्स में, यहां से यहां तक, और फिर उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस है पूरा। ठीक है, तो ट्रेडिंग में कुछ मैंने पहले से ही आइटम्स लिखे रखे हैं क्योंकि वो फिक्स है। डेबिट और क्रेडिट देना जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, और यहाँ पे डेट होना जरूरी है। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी डेट रहेगी 2019, और ऊपर लिखेंगे सुचिता एंड गायत्री, सुचिता एंड पार्टनर्स के नेम। ठीक है, तो देखो ट्रेडिंग में क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक लिखा है, परचेस लिखा है, लेस रिटर्न्स लिखे हैं, बाय सेल, लेस रिटर्न्स एंड देन क्लोजिंग स्टॉक, और फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो नीचे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे बैड डेब्ट्स वाले कुछ आइटम्स लिखे हैं, बैड डेब्ट्स, टीबी एंड ट्रायल बैलेंस, एड बैड डेब्ट्स एंड एडजस्टमेंट, एड आरडी एंड एडजस्टमेंट, लेस आरडी एंड ट्रायल बैलेंस में जो होगा। ठीक है, और फिर ये दो अकाउंट्स होने के बाद नेक्स्ट पेज पे मैंने बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां पे पार्टनर्स के नेम आएंगे यहाँ पे। तो पहला पार्टनर सुचेता, देन गायत्री, सुचेता दोनों तरफ लिखना है एंड गायत्री। ओके, बैलेंस उनका यहाँ पे आता है तो मैंने पहले से ही लिखा है, डेबिट क्रेडिट लिखना जरूरी है, इसीलिए बैलेंस शीट को डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, यहाँ पे कैपिटल मैंने लिख के रखा है और ये बैलेंस शीट यहाँ पे आएगी। बैलेंस शीट को डेट देना जरूरी है 31 मार्च 2019। ठीक है, तो चलो अभी पोस्टिंग में स्टार्ट करा, आपको फोकस करना है। ओके, तो सबसे पहले ट्रेडिंग आपके सामने यहाँ पे मैंने रखा है, तो मैं डायरेक्टली रीड करूंगा और पोस्टिंग यहाँ पे करूंगा। तो सबसे पहले परचेस एंड सेल दिया है प्रॉब्लम में, परचेस डेबिट वाला है 65,000, इनर में लिखा, रिटर्न रहेंगे तो लेस करेंगे, शायद रिटर्न नहीं है फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है, बाद में देख लेंगे। सेल्स है यहाँ पे 185,500। ओके, डेबिट वाली अमाउंट सेल की, क्रेडिट वाले अमाउंट, डेबिट वाली अमाउंट परचेस की, क्रेडिट वाली अमाउंट सेल की। वर्क्स मैनेजर सैलरी बोला है तो यहीं पे लिखेंगे टू वर्क्स मैनेजर सैलरी, लिखा, यस, कितनी अमाउंट 2,300 आउटर में लिख दिया। उसके बाद कैपिटल बैलेंस है 75,000 and 40,000, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख के 75,000 and 40,000 लिख दिया। ठीक है, यस, आगे हम जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक लिखना है, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जगह है, देखो पहले से लिख के रखा है, तो 18,700। ठीक है, देन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दिए, तो डेटर्स एसेट में जाते हैं, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, तो डेटर्स यहाँ पे लिखने हैं एसेट में। ठीक है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखनी पड़ेगी क्योंकि उस पर ढेर सारे टिक मार्क्स है, 27,500, नियर बाय 4 to 5 लाइन्स हम यहाँ पे उसे सॉल्व करने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, देन क्रेडिटर्स लिखेंगे यहाँ पे लाइबिलिटी में, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स की अमाउंट है 35, टिक मार्क नहीं है तो आप आउटर में लिख सकते हो सेकेंड कॉलम में। ठीक है, आगे दिए हैं वेजेस एंड सैलरी, तो सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था वेजेस एंड सैलरी बोला है, तो ट्रेडिंग में आएगा वेजेस एंड सैलरी, अगर सैलरी एंड वेजेस बोलते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना पड़ेगा। ओके, वेजेस एंड सैलरी 4,000 यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, देन आगे बिल्स रिसीवेबल है जो 22,000 है, और जिसपे एडजस्टमेंट है, तो बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे लिखते हैं एसेट में आता है, बिल्स रिसीवेबल इनर कॉलम में लिखेंगे 22,000 की अमाउंट। ओके, उसके आगे है बिल्स पेएबल जो है 27,300, और वो लाइबिलिटी है, हमें पता है बिल्स पेएबल आएगा लाइबिलिटी में,
ओके 27,300 ओके। उसके आगे दिया है डिस्काउंट। डिस्काउंट ये या तो एक्सपेंस है या फिर इनकम है, तो डेबिट साइड में है या क्रेडिट में देखो तो क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में इनकम है तो हमें भी क्रेडिट साइड में ही लिखना पड़ेगा, साइड बदलते नहीं है। डेबिट वाले आइटम्स डेबिट में ही जाते हैं, क्रेडिट वाले क्रेडिट में ही जाएंगे। तो डिस्काउंट क्रेडिट में आपको दिख रहा है क्रेडिट कॉलम में, तो हमें भी क्रेडिट साइड में ही लिखना पड़ेगा ओके। तो डिस्काउंट अकाउंट कितना है 400, तो यहाँ पे 400 लिख दिया क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम जाएंगे। मोटिव पावर दिया है, तो मोटिव पावर हम लिखेंगे कहाँ पे, यस ट्रेडिंग में मोटिव पावर, क्योंकि यहाँ पे टिक मार्क है मोटिव पावर पे, तो हमें अमाउंट लिखनी पड़ेगी इनर कॉलम में ओके। और एडजस्टमेंट जो भी रहेगी उसके बाद वो बाहर जाएगी। देन मोटिव पावर के बाद हम करेंगे कस्टम ड्यूटी ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी 1,500 ठीक है लिख दिया। आगे जाएंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में है, देखो क्रेडिट साइड में तो इनकम हो गया, डिस्काउंट के नीचे ही लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट कितना 1,300 ठीक है। अभी अनप्रोडक्टिव वेजेस है, डेबिट वाले आइटम्स है, तो डेबिट में रखेंगे यहां पे ओके। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने बोला है अनप्रोडक्टिव वेजेस कितने जाएंगे, अनप्रोडक्टिव वेजेस 3,000 ओके। देन नियर बाय प्रॉफिट एंड लॉस के ही आइटम्स है सब, तो यहीं पे लिखने पड़ेंगे। टू ऑडिट फीस 2,500, देन रेंट 1,800, देन कन्वेंस 2,000 ओके। अभी गुडविल एसेट है, तो फिर एसेट में लिखना पड़ेगा ना, यस तो हम लिखेंगे अभी गुडविल यहां पे। गुडविल कितनी अमाउंट है 25, आउटर में लिख दिया ठीक है। देन आगे जाएंगे कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स भी एसेट है, यहीं पे लिखनी पड़ेगी 20,000। आगे बिल्डिंग है, बिल्डिंग लिखनी पड़ेगी इनर में क्योंकि उसका एडजस्टमेंट टिकमा की है ओके ठीक है। देन पार्टनर्स लोन दिया है, पार्टनर्स लोन लाइब्रेरी है, तो लाइबिलिटी में लिखा देखो 6,150। देन इन्वेस्टमेंट एसेट है, तो लिखा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 40,000 ठीक है। कैश एट बैंक ये भी एसेट है, लिख दे यहाँ पे 26,000। तो इस प्रकार हमारी ये पोस्टिंग जो है पूरी हो चुकी है, अभी एडजस्टमेंट पे फोकस करना है, तो चलो करते हैं। पहले एडजस्टमेंट दिए क्लोजिंग स्टॉक वाली, तो हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है 19,700, तो चलो पहले यहाँ पे लिखते हैं 19,700 और फिर स्टॉक जाता है एसेट में, पता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक 19,700। चलो पहले एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, तो मैंने दो इफेक्ट पहले एडजस्टमेंट के बता दिए। अभी नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल, हमारे हाथ से गुड्स जाता है, सेल करते तो गुड्स जाता ही ना हमारे हाथ से, तो क्रेडिट में लिखा। जब जब गुड्स जाएगा तो क्रेडिट में ही आना चाहिए ट्रेडिंग के, तभी डिस्ट्रीब्यूट किया है ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल कितनी अमाउंट 3,000। सर जब भी गुड्स जाता है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में ही लिखेंगे, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट है तो हमें लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पे लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट, शॉर्ट में लिखा एडवर्टाइजमेंट, तो 3,000 रुपीज आ जाएंगे। तो दो इफेक्ट हो गए ना, यस। अभी मोटिव पावर का बोले हैं डिपॉजिट दिया है यानी प्रिपेयर किया एडवांस दिया है, तो ठीक है लिखते समय डिपॉजिट ही लिखेंगे, हमें पता चला है कि वो एडवांस ही है प्रिपेयर ही है, तो लेस ही करना पड़ेगा ओके। 500 लेस किया तो कितना आएगा 850 ओके। और जो 500 डिपॉजिट दिया है वो एसेट हो गया क्योंकि प्रिपेयर एसेट होता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एसेट में ठीक है। लिखेंगे डिपॉजिट फॉर मोटिव पावर
कितना लेस किया, 500 ना, यस 500 लिखते हैं ना। आगे बढ़ेंगे, दो इफेक्ट हो गए। डेप्रिशिएट बिल्डिंग, तो बिल्डिंग डेप्रिसिएशन करना है ना, तो यही तो है बिल्डिंग, ये देखो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना 5%, तो इसका 5% ले लो, कितना होगा देखो 4400, ठीक है, तो वो लेस करो कितने आएंगे देखो 83600 आ गए, बराबर ओके। तो अभी दूसरा इफेक्ट जाएगा ना इसका, डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाता है, यस प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी गुड। तो लिखेंगे दूसरा इफेक्ट यहाँ पे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट बनते ही है, आपको ठीक से सोचना पड़ेगा कहाँ पे जाएगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखना पड़ेगा, 4400 डेप्रिसिएशन है तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अभी डेटर्स वाली एडजस्टमेंट है, तो डेटर वाली एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी, ओके। तो सबसे पहले हम दोनों एडजस्टमेंट डिलीट करेंगे, क्योंकि दोनों में इफेक्ट दिए हैं डेटर्स के, ठीक है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या बोले हैं, राइट ऑफ करो 2000 बैड डेब्ट्स के तौर पे और आरडीडी 3% करो, और उसके नीचे दिया है कि बिल रिसीवेबल जो है वो डिसऑनर हो गए। अगर बिल डिसऑनर होते हैं तो बिल कम हो जाएंगे, डिसऑनर यानी कैंसिल होना, बिल कैंसिल हो गए यानी बिल कम हो जाएंगे। और क्योंकि बिल क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि डेटर्स हमें पैसा देने वाले थे तभी उनके पास से सिक्योरिटी लेने के लिए बिल बनाए जाते हैं, तो बिल कैंसिल हो गए तो डेटर बढ़ जाएंगे, पार्टीज बढ़ जाएंगे ना, कस्टमर बढ़ जाएंगे, तो ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 6 एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी, ओके। तो मैं करूंगा लेस यहां पे और लिखूंगा बिल डिस ऑनर, कितने डिस ऑनर हो गए 4000 के, ओके। तो कितने बचेंगे 18, सबसे पहले ये ऐड होगा डेटर्स में, ऐड होगा बिल रिसीवेबल डिस ऑनर रहेगा ना, कभी भी बिल रिसीवेबल डिस ऑनर बताया तो बिल रिसीवेबल में कम करो और डेटर्स में ऐड करो, ओके। याद रखना है इफेक्ट, बिल डिस ऑनर बता दिया तो कौन सा बिल, बिल रिसीवेबल वाला, अगर डिस ऑनर बता दिया तो एडजस्टमेंट का इफेक्ट ऐसे होगा, बिल में कम करना है और डेटर्स में ऐड करना है, वहीं के वही इफेक्ट बनता है। तो डेटर्स में ऐड करेंगे, लिखेंगे बिल डिस ऑनर, क्योंकि पार्टीज बढ़ती है, कितनी अमाउंट 4000, तो ऐड करने के बाद हमें मिलेंगे कितने 51500, ठीक है। सो नाउ अभी क्या करना है, अभी हमें करना है बाकी के एडजस्टमेंट के इफेक्ट। तो ये 6 एडजस्टमेंट हो गई यहीं पे, और कहीं पे नहीं जाएगी, यहाँ पे लेस यहाँ पे ऐड, ठीक है। सो नाउ एडजस्टमेंट नंबर 5, 2000 बैड डेब्ट्स बोले हैं, तो चलो देते हैं लेस बैड डेब्ट्स, कितने 2000, ठीक है दे दिए, कितने हुए 49500, फिर मैं ये लाइन जरा रफ करता हूँ, तो 49500 हो गए। अभी उसके ऊपर देना है आरडीडी जो आएगा 3%, तो देखते हैं 3% कितना आता है, कैलकुलेट करो 49500 इंटू 3%, तो 49500 में से 3% आए वो 1485, और लेस करने पे अमाउंट आई 14015। अभी बैड डेब्ट्स 2000 आरडी 1485, इसका दूसरा इफेक्ट बनेगा जो हमें लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में, तो चलो लिखते हैं। तो बैड डेब्ट्स यहाँ पे है हमारे सामने, ट्रायल बैलेंस में नहीं थी, एडजस्टमेंट की है और आरडीडी पे एडजस्टमेंट की है, 1485 यहाँ पे नहीं थी ट्रायल बैलेंस में, सो 3485 ऐसे अमाउंट आ गई, ठीक है। तो दो इफेक्ट्स हो गए फिफ्थ एडजस्टमेंट के, और 6 एडजस्टमेंट पहले ही हम कर चुके हैं। तो हमें अभी क्या करना है, हमें अभी करनी है क्लोजिंग, और क्लोजिंग स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग से, ठीक है। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले परचेस और सेल के अमाउंट्स बाहर निकालने जरूरी है, तो लेस करने के लिए कुछ नहीं है, तो सेम अमाउंट बाहर आ गई, और अभी हम करेंगे टोटल। तो टोटल करते समय क्या करेंगे, ये टोटल और ये टोटल देखेंगे क्या टोटल कौन सी ज्यादा है, और फिर हम देखेंगे। तो नॉर्मल अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 18 ये 65, तो नियर बाय ये 83 के क्रॉस होगा, और ये 6000 7000 नॉर्मल 90 या 1 लाख से कम ही होगा, तो फिर ये 1,85,000 यही ज्यादा होगा कि नहीं, तो यही टोटल करेंगे मैक्सिमम रहेगी, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ेगी मुझे, कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कैसे मिलेगा, जो भी अमाउंट आएगी यहाँ पे मैक्सिमम उनमें से सब लेस करने पे हमें अमाउंट मिलेगी जो हमें यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो चलो करते हैं टोटल, आप टोटल करके देख सकते हैं, ये टोटल यहाँ पे लिखो यहाँ पे, और लेस करने के बाद यहाँ पे जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, चलो स्टार्ट करो। तो स्टूडेंट्स
ये इस साइड का टोटल आ गया 2,08,200, वो यहीं पे भी लिखा क्योंकि मेरे पास एक लाइन कम पड़ी है तो मुझे एडजस्ट करना पड़ा यहाँ पे। ऊपर के सब अमाउंट्स लेस किए 2,08,200 में से तो मुझे मिला 1,15,850 जो रहेगा हमारा क्रॉस प्रॉफिट, और क्रॉस प्रॉफिट आएगा यहाँ। ठीक है, अभी उसके आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे तो ये साइड की टोटल और ये साइड टोटल देखेंगे तो ये 1,00,000 से ज़्यादा ही है तो ये थोड़ा कम है तो यही ज़्यादा रहेगी अमाउंट। ये टोटल करके यहाँ पे बैलेंस हम देखेंगे कितना आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं बैलेंसिंग। तो स्टूडेंट्स ये साइड की टोटल पहले की तो आती है 1,17,550, वही इधर लेंगे और ये अमाउंट में से 1,17,550 में से आप लेस करोगे ऊपर वाली सब अमाउंट्स तो आपको बैलेंस मिलने वाला है ये। ओके, तो ये बैलेंस जो है पार्टनर्स को रेशियो में देना है यहाँ पे, और पार्टनर का रेशियो सबसे पहले लाइन में दिया था 3:2, तो ये अमाउंट 3:2 में आपको डिवाइड करना होगा 97365 3:2 है ना तो 3 अपॉन टोटल करेंगे 5। तो पहले पार्टनर का होगा जो है सुचेता और दूसरी ही गायत्री, तो 97365 वापिस करेंगे और 2 लेंगे उसका रेशियो 2 है इनटू अपॉन 5 करेंगे। ठीक है, तो अभी पूरा कैलकुलेशंस करने के बाद पता चलेगा कि क्या वैल्यूज आने वाले हैं। ठीक है, आप कर सकते हो। तो देखो 5 से डिवाइड करने पे ये अमाउंट मिली और ये में से इंटू किया 3 तो ये अमाउंट मिलेगा, और वापिस डिवाइड करने पे इंटू 2 करने पे ये अमाउंट मिलेगा। दोनों का टोटल उतना ही आता है जितनी अमाउंट देनी थी, तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया है 58,419 एंड 38,946 जो हमें लिखने हैं कहाँ पे, नेट प्रॉफिट जहाँ पे लिखा था वहीं पे। तो ठीक है, लिखते हैं वहाँ पे 58,419 और दूसरी अमाउंट लिखनी है हमें कौन सी 38,946 और ये जाएगी अभी कैपिटल में। ठीक है, ओके लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा है क्योंकि वो डेबिट में मिला था, क्रेडिट में लिखा है एज अ नेट प्रॉफिट लिख के। अब इनकी टोटल करेंगे, ऊपर लेस करने के लिए कुछ नहीं है इस बार, तो आपको जो भी बैलेंस मिलेगा तो उसे बोलेंगे यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और बैलेंस आएगा यहाँ पे बैलेंस शीट में। तो ये टोटल करके देखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये टोटल्स किए यहाँ पे लिखी, यही बैलेंस रहेगा और ये बैलेंस लेना है यहाँ पे, तो मैंने लिया है कैपिटल्स में और उनकी टोटल यहाँ पे 2,12,360 में आ गई। अभी करना क्या है, दोनों तरफ के टोटल्स करने हैं, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड कितने आते हैं देखने हैं। तो यहाँ पे टोटल डेबिट साइड का पूरा करने पे मिलता है 2,80,815 और क्रेडिट साइड पर कैपिटल लिखने के बाद टोटल मिलता है 2,80,815। तो दोनों टोटल्स मैच होती है, इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई, और बैलेंस शीट टैली हुई इसका मतलब हो गया कि हमारा प्रॉब्लम बराबर है, हमने अच्छे से सॉल्व किया है। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया है नहीं, आप मुझे जरूर बता सकते हो। एडजस्टमेंट पे फोकस करना क्योंकि वो समझने चाहिए, कहीं पे नोट करके रख सकते हो एडजस्टमेंट कैसे करना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, नई वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।